India is a democratic country and each and everyone has the equal right to give their opinion. But चीज़ें complicated होना तब start होती when they start forcing their opinion on others. And there is a thin line between them. और यही चीज़ बॉलीवुड के साथ भी हो रही है. जब भी कोई बिग स्टार या फिर बिग बजट मूवी लॉन्च होने वाले थे उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर उसके अराउंड डिबेट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे एक तरफ लोग उसको सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ उसको अपोज करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बॉयकॉट का ट्रेंड चला देते हैं. और ये चीज़ पिछले 2-3 सालों में कॉमन हो चुकी है. और आप हमें बताएं कि पिछले 2 सालों में कौन सी ऐसी बिग बजट मूवी थी कि जिसके साथ आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की है. एंड इवेंचुअली दिस इज ट्रेंड नाउ. And literally people are not watching their movies in theater and boycotting it. Is it reality? Is it truth with all Bollywood movies? Video में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस video का focus यही रहेगा कि ये पूरा narrative कैसे create हुआ, और मैं अपने आप को neutral रखने की पूरी कोशिश करूँगा. और again आपको ऐसे videos पसंद है तो इस channel को ज़रूर subscribe करें कि future में भी हम आपके तक ऐसे ही video लाते रहे. चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं. 3-4 साल पहले तक टाइम ये था कि जब भी बड़े स्टार्स की मूवी आती थी तब उनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट मिलना मुश्किल होती थी. लेकिन आज के टाइम पे इन्हीं स्टार्स को ओपनली आके लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो उनकी मूवीज़ को थिएटर में देखने चाहिए. तो ऐसा तो इतने शॉर्ट टाइम में क्या चेंज हो गया कि जिसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया बॉयकॉट बॉलीवुड की एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है. और इसमें सबसे पहली चीज़ है कोविड पैंडेमिक. पेंडेमिक के टाइम पे ज़्यादातर लोग अपने घर पे ही थे और इस टाइम पे हार्डली कोई बॉलीवुड मूवी भी लॉन्च हुई थी. तो इसीलिए लोगों ने दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मूवी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. तब उनको पता चला कि देर इज़ अ वर्ल्ड बियॉन्ड बॉलीवुड एंड वो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं. जैसे कि पिछले 2 सालों में कोरियन ड्रामा इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, और एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ सालों में कोरियन ड्रामा ने इंडिया में 370% का ग्रोथ दिया है. और दूसरी चीज़ है शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव. इंडिया में आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ को आइडल से कम नहीं गिना जाता. कई लोग तो उनकी पर्सनालिटी, वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल से इंस्पायर या फिर उनको कॉपी करने की ट्राई करते हैं. और यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की तो इंडिया में स्टैचूज एंड टेम्पल तक बना दिए गए. तो आपको इससे इतना तो पता चलता है कि इनकी लाइफ में सेलिब्रिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है. लेकिन यही चीज़ पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है. एंड स्पेशली आफ्टर बूम इन सोशल मीडिया कई यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेन स्ट्रीम मीडिया में काम तक कर रहे हैं, और लोग इनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि एक टाइम पे वो आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान थे और आज वो यूट्यूब सेंसेशन है और बहुत डाइवर्सिफाइड कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड मूवी उनके लेवल का कंटेंट नहीं बना पाती. और तीसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल इफेक्ट. अभी तक इंडिया में पर्सपेक्टिव ये था कि बिग बजट या फिर बिग हीरो मूवी मतलब सक्सेसफुल मूवी. और मैं आपको ऐसी एन नंबर ऑफ मूवीज़ दिखा सकता हूँ जिनकी स्टोरीज बहुत वीक थी फिर भी उन्होंने बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छा कलेक्शन किया, जस्ट बिकॉज उनमें कोई बड़े स्टार ने काम किया था. लेकिन ये चीज़ लोगों की साइकोलॉजी के साथ चेंज हो रही है. और अभी के टाइम पे लोग इंटेलेक्चुअल एंड रिलेटेड इवेंट वाली स्टोरीज़ को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और हार्डली ऐसी कोई बॉलीवुड मूवीज़ है जो इन चीज़ों के ऊपर काम करती है. और इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे रीजंस भी है जिसकी वजह से लिटरली लोगों ने बॉलीवुड को हेट करना स्टार्ट कर दिया है. और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है नेपोटिज्म एंड पुअर कास्टिंग चॉइस. अगर आज की डेट में आप किसी को भी ये पूछोगे कि बॉलीवुड की मूवी कितना अच्छा क्यों नहीं कर पा रही, तो 99% लोग आपको उसका रीज़न देंगे नेपोटिज्म. और फिल्म मेकिंग में राइटिंग एंड डायरेक्शन के अलावा कास्टिंग भी बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है. और बॉलीवुड की हिस्ट्री में आपने कई बार देखा होगा कि एक अच्छे एक्टर की एक्टिंग की वजह से उन्होंने पूरी मूवीज़ को सक्सेसफुल हिट बनाया हुआ है. और कई बार डायरेक्टर्स को अपनी कास्टिंग में प्रेशर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ऐसे एक्टर्स को कास्ट करना पड़ता है जिनके इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शन हो, और उसी की वजह से हम लोगों ने अच्छी मूवीज़ को भी फ्लॉप होते हुए देखा है. इसीलिए नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद लोग और कई सेलिब्रिटीज़ इसको ओपनली सोशल मीडिया में डिस्कस तक कर रहे हैं. और दूसरा रीज़न है राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म. पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम
हॉटस्टार के ऊपर मूवीज़ को देखना स्टार्ट किया है, और अभी के टाइम पे भी बॉलीवुड की मूवीज़ लॉन्च होती कुछ ही टाइम पे यही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म के अपने भी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इसी रीज़न की वजह से लोगों के मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस थिएटर से शिफ्ट होकर OTT प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा आप घर पे बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मूवीज़ को भी एंजॉय कर सकते हो, जो चीज़ आपको थिएटर में नहीं मिलेगी। और इसी रीज़न की वजह से मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इनके प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत बड़ा हिट आ रहा है। और तीसरा रीज़न है लैक ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। ये चीज़ हम सब ने नोटिस की है कि बॉलीवुड दूसरी इंडस्ट्रीज़ की सक्सेसफुल मूवीज से इंस्पायर्ड या फिर उनकी रीमेक बना के बॉलीवुड में लॉन्च कर देते हैं, और यहाँ तक कि ये चीज़ बड़े बॉलीवुड स्टार भी फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड के पास ओरिजिनल कंटेंट के नाम पे हार्डली कुछ है, और जो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर मूवीज़ बनती है वो स्मॉल बजट मूवीज़ बनती है, जिनको आप और मैं थिएटर में देखने की जगह पे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, जिनसे उनको इतना बूस्ट नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। और अगर आप होगी कि तुम्बार, झूंड, बधाई, ये सारी एक्चुअल में बहुत अच्छी मूवीज हैं, लेकिन फिर भी इनके बॉलीवुड कलेक्शन इतने अच्छे नहीं रहे। और फोर्थ पॉइंट है कंपैरिजन विद साउथ सिनेमा। एंड इट इज क्लियर लोगों को साउथ सिनेमा पसंद आ रहा है, एंड वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा भी उतर रहा है। अगर आप इंडिया की पिछली 6 सक्सेसफुल मूवीज को देखोगे तो उनमें से 4 साउथ इंडियन मूवीज हैं। एंड जब भी बॉलीवुड की कोई मूवी लॉन्च होती है तो उसको इमीडिएटली साउथ इंडियन मूवीज के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड ट्रूथ इज बॉलीवुड इज लैकिंग बिहाइंड, और ये चीज लोग ओपनली मूवीज के रिव्यू में कह रहे हैं। बॉलीवुड को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा है। घिसे पिटे हीरो, घिसे पिटे एक्टर, घिसी पिटी कहानियां, एक्शन के नाम पे कुछ नहीं, नकल करी भी इधर उधर की। और लास्ट चीज है सेलिब्रिटीज पर्सनल लाइफ एंड आइडियोलॉजी। रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा के रिलीज से पहले आमिर खान और उनकी वाइफ ने पास में दिए गए सेंटेंस को हाइप बना के सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड एंड बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के ऊपर एक नया नरेटिव क्रिएट कर दिया था। और यही चीज़ कई एक्टर्स के साथ पास में भी हो चुकी है कि उनकी मूवीज अभी थिएटर में रिलीज तक नहीं हुई, उससे पहले लोग उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इससे हमें इतना तो पता चलता है कि कहीं फिक्शन एंड रियल लाइफ में लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे, सेलिब्रिटीज के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और उनकी मूवीज से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। और पास्ट में ऐसी मूवीज भी बनी है जिन्होंने लोगों की रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी हर्ट किया है। और लास्ट में हमें ये समझना चाहिए कि मूवीज आर नॉट ऑल अबाउट वन एक्टर, क्योंकि उसके पीछे 300 से 400 लोगों का टाइम और मेहनत लगी हुई है। और किसी इररिलेवेंट चीज की वजह से मूवीज को बॉयकॉट करना, क्या ये सही चीज है? अगर यही चीज फ्यूचर में भी कंटिन्यू रही तो अच्छे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स नई स्टोरी के ऊपर काम करने से भी डरेंगे, और उसका रिजल्ट यही होगा कि आपके और मेरे पास कोई अच्छी मूवीज या फिर ओरिजिनल कंटेंट नहीं पहुंचेगा। और बॉयकॉट करना कोई गलत चीज नहीं है, अगर आप कोई चीज बॉयकॉट कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन होना चाहिए। और कोविड के टाइम पे हम लोग ने ये बेस्ट एग्जांपल देखा था कि पूरे इंडिया ने बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट को सपोर्ट किया था, जिसका फायदा इंडिया के छोटे बिजनेस ओनर्स को मिला था। अगर फ्यूचर में आप किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हो तो एक बार उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से सोच के भी देखना। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन।